ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ स्टेप का कांसेप्ट। सो गाइस, इस कांसेप्ट में मैं बताऊंगा कि गाइस आप अक्षय कुमार के बगल में अपना मॉडल कैसे ऐड करोगे। तो गाइस सब कुछ आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में, बस आप सभी को वीडियो को कंप्लीट देख लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने एक अच्छा सा कमेंट नहीं किया वीडियो के नीचे तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर कर देना। बेसिक यार वीडियो को देखने के बाद कमेंट करना, लेकिन यार कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यार आप सभी कमेंट से यार बहुत मोटिवेशन मिलता है, पता चल जाता है कि यार मैं अपने वीडियो को आपको जो मैं वीडियो दे रहा हूँ यार उसमें मैं कैसा काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे नए नए कंटेंट लाता रहता हूँ। एंड गाइस, आपको रोजाना एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाती है, कभी कभार दो तीन भी मिल जाती है, इसलिए गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस, अगर आप लोग भी अगर ऐसी सेम फोटो का एडिट करते हो तो गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम में टैग जरूर करना, क्योंकि यार जो भाई मेरे को वहाँ पे टैग करते हैं और मेरे को जिसका पोस्ट पसंद आता है मैं गाइस उसके पोस्ट को अपने स्टोरी में मेंशन करता हूँ, तो आप लोग जाके टैग जरूर करना। बाकी गाइस, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर टाइम मिले तो गाइस चेकआउट जरूर करना। बाकी गाइस, मैंने आपसे कि अगर यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को अगर आप करना ग्रो करवाना चाहते हो तो गाइस उसके लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, जिसमें गाइस मैं आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर टाइम मिले तो गाइस उसको भी जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को ऐसे ही पोज में कहीं भी बैठ के फोटो को क्लिक करवा लेना है। देन उसके बाद गाइस आपको उसका बैकग्राउंड ट्रेस करना है। बैकग्राउंड ट्रेस करने के लिए गाइस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉ टूल का। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस आप सभी को फोटो को फिर आपको जो सेटिंग रखनी है अपने ब्रश की, वो रखनी है हार्डनेस को रखना है 90 तक, एंड जो साइज होगा अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। देन गाइस आपको अपनी फोटो को यहाँ पे जूम करना है एंड यहाँ से गाइस फटाफट से इरेज कर लेना है। सो गाइस, पहले मैं यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन गाइस यहाँ से इरेज करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे गाइस आप सभी को फिर उसके बाद आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। देन गाइस आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जो हमने भी मॉडल का बैकग्राउंड रेस किया था हम सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, आप सभी को कुछ स्टेप्स यहाँ पे जिसका साइज होगा आपके मॉडल का वो गाइस आप सभी कुछ इतना रख लेना है कि मतलब कि आपको हाइट को देख लेना, अपना अंदाजा लगा लेना है कि आपकी हाइट कितनी होगी अक्षय कुमार के सामने, ठीक है, इतना कुछ हिसाब से आपको हाइट रखना अपना। देन इसके बाद इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे हम यहाँ पे, एंड इसके बाद जाएंगे यहाँ से मेरे रिजल्ट में, एंड इसके बाद रिजल्ट की हार्डनेस होगी इसको आपको फुल कर लेना है, एंड जो साइज होगा अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। देन गाइस यहाँ से आप सभी को फटाफट से इरेज कर देना है। ओके गाइस, सो हमने इसको भी इतना इरेज कर लिया है। देन गाइस आपको जाना है फोटो में, एंड ऐसे गाइस आपको एक ब्लैक कलर का पीएनजी ले लेना है, एंड इसको गाइस फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स रखना है, एंड रिजल्ट में जाना है इसको इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश लेना है, फिर आपको ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, एंड जिसकी हार्डनेस होगी इसको कम कर देना है, ठीक है, एंड इसकी ओपेसिटी भी आप कम कर लेना है एंड साइज अपने अकॉर्डिंग। एंड आपको गाइस फोटो को जूम करना है, एंड गाइस आपको इन पैरों के नीचे आपको शेडो क्रिएट करनी है कुछ स्टेप से, ठीक है, तो आपको पूरे मतलब कि पूरे पैरों की तरफ जितने भी आपको एरिया वहाँ पे आपको पेंट कर देना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारी जो शेडो भी बन चुकी है गाइस, तो अब आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, एंड यहाँ से गाइस आपको विग्नेट का पीएनजी लेना है, ठीक है, एंड इसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है, एंड इसके बाद यहाँ पे आप सबको फिर यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको उसको लेके चलना है यहाँ पे टूल्स में, फिर यहाँ पे जाना है एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको सैचुरेशन वाला ऑप्शन में लेना है, एंड गाइस इसका जो सैचुरेशन होगा उसको -10 तक कर देना है। इससे क्या होगा कि गाइस जो आपके फोटो बैकग्राउंड में जितने भी चीज़ होंगी सारे सबका सैचुरेशन एक बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो आप सभी को इसके लिए यूज़ करना है। फिर आप सभी को इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड उसके बाद इसको लेके चलना है लाइटरूम ऐप में, क्योंकि गाइस वहीं पे हमारी रीटचिंग वगैरह वहीं होगी, तो वहाँ पे ले जाने के बाद आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में। एंड इसके बाद गाइस आपको फिर करना आपको जो कॉन्ट्रास्ट होगा इसको थोड़ा कम कर देना है, एंड इसके बाद गाइस आपको मिलेगा नीचे हाईलाइट, आप सबको हाईलाइट जो होगा इसको भी थोड़ा सा इसको आप थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो शेडो होगा इसको थोड़ा सा आपको कम कर देना है। देन उसके बाद गाइस आपको वाइट जो सॉरी ब्लैक जो इसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड जो वाइट है गाइस आपको उसको थोड़ा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको नीचे कलर्स वाले ऑप्शन में, फिर उसके बाद आपको गाइस इसका वाइब्रेशन है जो इसको बढ़ा देना है,
एंड इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ठीक है। एंड जो ल्यूमिनस होगा उसका थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड इसका सेचुरेशन आपको थोड़ा माइनस कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर लेना है। अब अगर आप चाहो गाइस पत्तों का कलर तो आप येलो भी कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो, तो आप अपने मर्जी से कर लेना। देन जाना आपको येलो कलर ब्लू कलर में, एंड इसका जो सेचुरेशन होगा इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड जो ह्यू होगा इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके देख लेना, आपको जो सा साइड अच्छा लगे वो कर लेना। देन इसके बाद आपको चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा हल्का सा डाल देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड चले जाना गाइस नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस नॉइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। फिर नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।